अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन रोस्ट रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो चिकन लिया है मैंने, और उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, चिली को मैंने ग्रीन चिली है इसको मैंने जितना इसका पेस्ट बना लिया है। इसके लिए हमें चाहिए नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्च, रेड मिर्च, और ये चाट मसाला मैंने थोड़ा सा लिया है एडिशन के लिए, फ्लेवर थोड़ा इससे इन्हेंस होता है। हल्दी थोड़ी सी ले लिया है, जीरा ले लिया है। उसके साथ हम 2 चम्मच हमने जो है वो मैदे के लिए है, और 1 से 1.5 चम्मच हमने बेसन का लिया है। 1 पाव हमें दही चाहिए होगा, 2 लेमन के जूस हमने ले लिया है, और 2 चम्मच हमने सोया सॉस के ले लिए हैं। चलिए अब इसका मिक्सचर बनाते हैं। और एडिशन के लिए मैंने थोड़ा सा जो है इसमें टिका बोटी मसाला जो है वो ऐड करूँगी, इसमें फ्लेवर भी आएगा और मज़ा भी आएगा। बर्तन में डाल दिया है, इस तरह आपने चिकन के स्लाइस इस पर कट लगा लेने हैं, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह जो है वो मसाले सारे जो हैं वो अच्छी तरह रच जाएँ, उसमें फ्लेवर अच्छा आएगा। चिकन डाल दिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा जो है सारे अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ऐड करेंगे। लहसुन डाल लिया है, ग्रीन चिली, नमक डालूंगी, सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। लेमन जूस, सोया सॉस, इसको अच्छे से आप मिक्स कर देंगे। आप अपनी मर्जी, आप स्पून से मिक्स करेंगे, हैंड से मिक्स करेंगे। हमारा मिक्सर जो है वो तकरीबन रेडी हो गया, इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ओके, 5 मिनट हो गए हमारे। अब हम इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर अपना और जो हमने बेसन दिया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है, मैंने 1 पाव लिया है, अपने टेस्ट के मुताबिक और अपने फ्लेवर के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं जी। हमारा मिक्सर जो है वो तकरीबन रेडी है, अब हम 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑयल हमने रखी है गर्म होने के लिए।